जय हिंद। स्वागत सभी का एक और लंबी चौड़ी इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले ही आपको बता दिया है वीडियो लंबा होगा और 10 मिनट से ज़्यादा का होगा, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर आ गया है। फॉर्म को भरने का डेट और लास्ट डेट, सीट सब कुछ आ गई है वेबसाइट पर। और इन सभी का संबंध है पीएचडी एडमिशन 2023 को लेकर, या कहें कि जनवरी 2023 के सेशन को लेकर। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा। समझने में तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो कुछ और कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, पीएचडी के नए सत्र के लिए फॉर्म मांगे गए हैं और साथ ही साथ में 5 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। और इसी के साथ साथ जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, उन सभी को नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। और अदर्स कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, उन लोगों को 800 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कुछ बच्चों को एग्जाम्प्टेड भी रखा गया है। कौन से बच्चे हैं उनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। फॉर्म को फिलअप ध्यान से आप लोग कर देंगे और साथ ही साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टेस्ट बी, काउंसलिंग, इंटरव्यू, इन सब की बात आगे किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बीएचयू है और बीएचयू में सभी प्रोसेस बहुत डिटेल में होते हैं और बहुत लंबे अंतराल के बाद तो नहीं, बल्कि बहुत तफ्तीश से इस बार सीटें दी गई हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में सीटें भी आई हैं जहां लगभग पिछले 2 सालों से सीटें नहीं आ रही थी। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। एक और बात कि खासकर सर्टिफिकेट्स को लेकर कुछ डाउट्स वगैरह आपके मन में होंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या प्रमाण पत्रों की, मैं आपको बता दूँ। आपकी मार्कशीट लगेगी, यानी कि उनको नंबर लगेंगे। हो सकता है स्कैन होकर कॉपी भी लगाई जाए, 10th की 12th की यूजी की पीजी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सभी आपको लगाने हैं। इसके अलावा आपको टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट, एमसी यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और यदि आपने नेट, सेट, गेट, गैप या फिर जेआरएफ पास है, इन सभी के भी सर्टिफिकेट हैं, वो भी लगेंगे आपके। और आपके एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो भी हैं, उसके भी सर्टिफिकेट लगेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, इन बातों का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। इसके अलावा एग्जामिनेशन की मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, यानी कि प्रवेश परीक्षा से उनको छूट दी गई है, वो भी ध्यान से सुनेंगे। इस बात को मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। सबसे लास्ट में आपको सीटें बताऊँगा, क्योंकि सीटों को बताते वक्त ध्यान रखिएगा, मैं सब्जेक्ट का नाम हो सकता है ना बोल पाऊँ, सब्जेक्ट का कोड मैं ज़रूर बताऊँ, क्योंकि सब्जेक्ट के कोड के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कोर्स का चयन करना होगा अप्लाई करते वक्त में। एग्जाम्प्टेड यानी कि एग्जाम्पशन, जिन बच्चों का एमफिल है या एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों के पास नेट है क्वालिफाई, जेआरएफ है क्वालिफाई, चाहे सीएसआईआर का हो या यूजीसी का हो, उन लोगों को एग्जाम्प्टेड रखा गया है। गेट क्वालिफाई को एग्जाम्प्टेड रखा गया है, स्लेट को रखा गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कुछ नेशनल डॉक्टरेट फेलोशिप पाई होंगी, नेशनल फेलोशिप पाई होंगी, उनको भी एग्जाम्प्टेड रखा गया है। जैसे कि उनके नाम इस प्रकार से हैं, CSIR, UGC, AICTE, DST, DRDO, DAE, DBT, ICAR, ICMR, आयुष और QIP। इन सभी बच्चों को प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन रखा गया है। इन बातों का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किसी अन्य को एग्जाम्पशन नहीं है प्रवेश परीक्षाओं से। एमसीक्यू माध्यम से आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। कुछ सवाल सब्जेक्टिव भी होंगे, कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव भी होंगे। टेस्ट ए, टेस्ट बी और टेस्ट सी तीनों से गुजरना होगा आपको सिलेक्टेड होने के लिए। और टेस्ट ए, बी, सी क्या होते हैं, इसके बारे में बात हम आगे करेंगे, या फिर लास्ट ईयर का वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी अप्लाई करने की, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। यदि आपके पीजी में 55% अंक हैं या उससे ज़्यादा हैं, और आप यदि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, और आपके यदि 50% नंबर हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो भी पीजी के अंतिम सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनके फाइनल ईयर के या फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको ये मालूम है कि उनका किसी पेपर में बैक आया है, ईयर बैक आया है, तो वो लोग आवेदन ना करें। हो सकता है उनका
फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक विद्यार्थी कितने फॉर्म भर सकता है, ये भी सवाल होगा। एक विद्यार्थी 2, 3, 4 कितने भी फॉर्म भर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपने मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 10 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया, आपकी प्रवेश परीक्षा यदि एक दिन एक समय होगी तब क्या करेंगे, क्योंकि प्रवेश परीक्षा एक दिन एक ही समय होती है, बीएचयू का नियम है, पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा एक सब्जेक्ट में ही भरेगा। लेकिन जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं ना, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनको ऑटोमेटिकली 4 सब्जेक्ट में अप्लाई करने का ऑप्शन बीएचयू देता है। एक आपका मेन डिसिप्लिन और 3 आपके अलाइड सब्जेक्ट में अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। ये सभी आप लोग जानते होंगे जिन्होंने पूर्व में कभी बीएचयू का फॉर्म आवेदन किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। क्योंकि लास्ट ईयर के वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा ताकि आपको एग्जामिशन को लेकर और टेस्ट बी को लेकर कुछ डाउट क्लियर हो जाए, उनको जरूर देख लीजिएगा। और नए वीडियो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं सीटों की। मैंने कहा था लगभग 10 मिनट से अधिक का वीडियो होगा, अब बात कर लेते हैं सीटों की। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल कोड नंबर 704 सीटें हैं इसमें, 7 रेड कैटेगरी की है, यानी कि एग्जाम्प्टेड सीट है, ठीक है ना, एग्जाम्प्टेड की बात करेंगे आपसे। उसके बाद है कोड नंबर 742, 41, 43, 44 में कोई सीट नहीं है। इसके अलावा हाँ, सोयल साइंस एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कोड नंबर 751 2 सीटें हैं इसमें। इसके बाद ये कौन सी कैटेगरी है, हाँ ये है वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी कोड नंबर 962 सीट इसमें है 2। वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कोड नंबर 963 सीट इसमें है 1। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रांडिंग कोड नंबर 968 यानी कि 968 सीटें हैं 3। वेटरनरी मेडिसिन कोड नंबर 974 सीट है 1। वेटरनरी गायनोकोलॉजिस्ट एंड और ऑप्शन 971 कोड नंबर है, सीटें हैं इसमें 2। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में देखिए जो सीटें हैं उनकी बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं कंफ्यूज हो गया, इस बार तो सारी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में ही आई हैं, शायद ऐसा लगता है क्योंकि प्रोस्पेक्टर में सारी सीटें एग्जाम्प्टेड दी हैं, एंट्रेंस की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। तो हो सकता है कुछ नया फिर बदल हो बाद में, लेकिन अभी तक जो सीटें हैं प्रोस्पेक्टर में सभी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में दिखाई जा रही हैं। इंग्लिश कोड नंबर 833 सीटें हैं 23। फ्रेंच कोड नंबर 834 सीटें हैं 6। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कोड नंबर 849 सीटें हैं 2। टूरिज्म मैनेजमेंट कोड नंबर 901 सीट है 1। नेपाली में 1, तमिल में 1, उर्दू में 2। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 5। फिजिकल एजुकेशन कोड नंबर 857 सीटें हैं 11। स्टैटिक्स कोड नंबर 905 सीटें हैं 905 सीटें हैं 7। और पर्शियन में 5 और जर्मन में 5। इसके अलावा है संस्कृत कोड नंबर 846 सीटें हैं 13। इसके अलावा है IPR कोड नंबर 850 सीटें हैं 3। फिलोसफी कोड नंबर 851 सीटें हैं 8। इसके अलावा आगे की फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में कोर्स है इसमें पेंटिंग, जिसमें कोड नंबर 760 है, सीटें हैं 4। और एक और है टेक्सटाइल डिज़ाइन कोड नंबर 764 सीटें हैं 2। चलते हैं अगली फैकल्टी पे। अगली फैकल्टी का नाम है लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी में 875 कोड नंबर है, सीटें हैं 7। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में सीटें हैं 2। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में कोई सीट नहीं है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस सबसे अच्छी प्यारी और बड़ी फैकल्टी है, सीटों की संख्या बेहद कम है। पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 861 सीटें हैं 12। इसके अलावा साइकोलॉजी इसमें MMV 1, VKM 2, VCR, VCWR में 1, टोटल्स में 9 सीटें हैं। इसके अलावा पीस रिसर्च में 4 सीटें आई हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीटें आई हैं। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पे चलते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर एक है ये सितार वाला है, इसमें 4 सीटें हैं। वोकल में 5 हैं, डांस में यानी कि कथक में खासकर 1 सीट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की बड़ी फैकल्टी होने के बावजूद कोई सीट नहीं आई है। अब चलते हैं अगली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या एंड धर्म विज्ञान केंद्र, जिसके अंदर है शुक्ल यजुर्विज्ञान कोड नंबर 681 सीटें हैं 3। कृष्ण यजुर्वेद सीट 1 है, ऋग्वेदा सीट 1 है, व्याकरणा सीट 1 है, साहित्य सीट 4 है। ये साहित्य हिंदी वाला नहीं है, संस्कृत वाला है, ठीक है। इसके अलावा है जैन दर्शन में 3 सीट है, बौद्ध दर्शन में 2 सीट है। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथ होना चाहिए 687 ज्योतिष, ये कोड वाला है, इसमें 3 सीटें हैं। ज्योतिष फ्लैट कोड नंबर 688 इसमें 4 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 85, ज्योलॉजी में 19,
और जियोलॉजी में 27, बॉटनी में 11, बायोकेमिस्ट्री में 7 और जियोफिजिक्स में 12, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1, मैथमेटिक्स में 0, होम साइंस में 0, साइकोलॉजी में 9 और बायोटेक्नोलॉजी में 3, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में 3, एनवायरमेंटल साइंस में 3। कंप्यूटर साइंस में 9 सीट हैं, स्टैटिक्स में 7 सीट हैं और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 3, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स सेंटर जो है इसमें 3 सीटें हैं, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। पशु तंत्रा में 4 सीट है, रास शास्त्रा में 5 सीटें हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में 5, शैल्य तंत्र में 11, काया चिकित्सा में 10, कार्य शरीर में 3, फिर है स्वतंत्र एन योगा में 1, विकृत विज्ञान में 7, अगत तंत्रा में 4, पंचकर्म में 8, फैकल्टी ऑफ अगली आ गई मेडिसन, फैकल्टी ऑफ मेडिसन है ओनली है इसमें तो सीटी नहीं दिख रही, माइक्रोबायोलॉजी में 2, मॉलिकुलर बायोलॉजी में 1, साइकोलॉजी में 4, कम्युनिटी मेडिसिन में 3, क्योंकि सीटें देख सब जगह 0-0 ही दिख रहा है, सेंटर फॉर एक्सपीरियंस मेडिसिन एंड सर्जरी में 3, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9, कोड नंबर 984 है और डेंटल साइंस कोड नंबर 671 सीटें हैं 2। देखिए सीटों की संख्या जैसे कि पहले बताया था अच्छी खासी आई हैं और ऐसा भ्रम था क्योंकि सारी की सारी सीटें जो मैंने आपको बताई हैं एग्जामटेड कैटेगरी में, इसीलिए प्रोस्पेक्टर में टेस्ट ए का जिक्र नहीं है, प्रोस्पेक्टर में टेस्ट ए का तो जिक्र ही नहीं है। मुझे भी लगा होगा भाई चूक मिस्टेक हो गई होगी छापने वालों से, लेकिन जब प्रोस्पेक्टर को डिटेल में खोला और देखा तो मालूम चला टेस्ट ए का जिक्र इसीलिए नहीं है क्योंकि एग्जामटेड कैटेगरी में सारी सीटें हैं, एंट्रेंस के बेस पर तो सीट है ही नहीं। तो जो बच्चे नेट नहीं है, सेट नहीं है, गेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, एसआरएफ नहीं है, वो शायद फॉर्म ना भर पाए। अब ये बीएचयू की पॉलिसी है या नीति है या चुनाव होने वाले हैं 24 में उसका असर है या कुछ और बात है या एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया उसका दखल है कुछ नहीं कह सकते हैं। अगले वीडियो में आप बीएचयू के किस इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन सा पक्ष आपको जानकारी का अच्छा लगा ये बताइएगा और किसी और विश्वविद्यालय का अपडेट चाहते हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़ा विलंब हो रहा है वीडियो बनाने में, क्या करें व्यस्तताएं और सर्दी दोनों बढ़ गई हैं। आपने अपना समय दिया, अपने ध्यान दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को सलाम है। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा, अध्ययन अभ्यास जारी रखिएगा क्योंकि सीखना बंद जीतना बंद। जय हिंद।